आइए आप सभी का स्वागत है देखिए और सीखे द नीटिंग चैनल। तो मैं आप सबके लिए एक डिजाइन लिखे हैं। इस डिजाइन को जो आप यहाँ पे इसमें चेन लेंगे, यहाँ पे आपको चेन लेना है 3 के मल्टीपल से 3+3+ इस तरह से करते हुए लास्ट में आपको 5 चेन एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। तो 3+3 करते हुए हम 15 लेंगे और 5 स्टिच हम यहाँ पे चेन एक्स्ट्रा यानी 20 चेन हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक। तो पहले 20 चेन बना लेते हैं यानी 20 चेन बनाना है आपको। 3 के गुने में चेन लेना है और 5 चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 चेन बनाते हुए सबसे पहले यहाँ पे हम उसके बाद दिखाती हूँ आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। ये जो 5 चेन हमने बनाया हुआ है इसी चेन पे हम देखिए यहाँ से काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, ठीक है। 15 जहाँ हमारी है यानी 15 चेन वहाँ पे आपको इस तरह से उंगली रखना है और उसके बाद हमने 5 चेन बनाई एक्स्ट्रा नहीं 5 चेन 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इस नंबर चेन पे आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट करना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे यानी 2 चेन लेना है और यहाँ पे 1 और 2 चेन छोड़ते हुए तीसरी वाली चेन पे थर्ड वाली चेन पे जाएंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर लेंगे 1 और ये 2 चेन, ठीक है। फिर 1 और 2 चेन छोड़ते हुए तीसरी वाली चेन पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। फिर लेंगे 1 और ये 2, फिर से देखिए 1 और 2 चेन स्कीप करेंगे, 1 और 2 चेन स्कीप करना, थर्ड वाली चेन पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर लेंगे 1, 2 चेन, फिर 1 और 2 चेन छोड़ते हुए तीसरी वाली चेन पर इसे हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लाइन कंप्लीट होती है। अब चेन बनाएंगे हम 1, 2, 3, पलटना आपको क्रोशे पे धागा लेंगे। अब ये जो हमारे बीच बीच में गोल बन गई है यानी रिंग बन गई है छोटी छोटी, इसके बीच में डालते हुए हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, ये 2री डबल क्रोशे और ये 3री डबल क्रोशे, ठीक है। ये 2 ही लाइन की डिजाइन है, 1 डबल क्रोशिया, 2री डबल क्रोशिया और ये 3री डबल क्रोशिया। 3 3 डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है आपको, इस तरह से लेंगे। फिर नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ भी आपको 3 डबल क्रोशिया करना है यानी 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले गैप में आएंगे, यहाँ भी हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर इस गैप में आएंगे, यहाँ भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया और एक हम इस चेन में बनाएंगे, ठीक है। ये जो चेन है इस चेन में हम डालते हुए बनाएंगे हम, दूसरी वाली चेन में डाला हमने और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है। नीचे वाली हमारी बेस लाइन हुई, अब ये हमारी पहली लाइन हुई है। अब हम यहाँ पे 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, 4 चेन लेने के बाद इधर पलटना आपको। पलटने के बाद देखिए 3 डबल क्रोशिया के बाद जो हमारी गैप आएगी ये वाली, क्रोशिया पे धागा लेना है, यहाँ पे डालेंगे इस तरह से, डबल क्रोशिया करना है, 1 चेन लेंगे, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब देखिए ये जो गैप सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया के बीच में जो यहाँ पे गैप है, इस तरह से लेंगे धागा और यहाँ पे क्रॉस करते हुए इधर से लाना है आपको और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से इसी तरह से करेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो गैप है 3 डबल क्रोशिया को बाद में यहाँ पे इस तरह से लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब देखिए ये जो है अभी इस गैप में यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से 1 डबल क्रोशिया लेंगे। तो इस तरह से हमारी क्रॉस वाली बुनाई हो रही है, ठीक है। फिर से लेंगे, क्रोशिया पे धागा यहाँ पे डालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे उसके बाद इधर, ठीक है। यहाँ लिया हमने, 1 डबल क्रोशिया किया, 1 चेन लेंगे, फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे, पीछे आ जाएंगे। अब पीछे वाली में हिस्से में यहाँ से
एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से लेंगे क्रोशिया पे धागा। अब यहाँ पे आ जाएंगे, पहले यहाँ पे बुनाई करना है, उसके बाद पीछे बुनाई करना है आपको। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर क्रोशिया पे धागा लिया हमने और इस जगह पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। क्रोशिया पे धागा लेंगे, फिर से यहाँ पे बनाएंगे इस जगह पे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर से क्रोशिया पे धागा लें। अब देखिए तीन डबल क्रोशिया के बाद जो यहाँ पे गैप है देखिए, ठीक है, इस जगह पे डालेंगे, चेन पे नहीं डालना है, गैप में डालना है आपको। तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करना है आपको, एक चेन लेंगे, क्रोशिया पे धागा लें, फिर से पीछे साइड इधर पीछे वाली गैप में डालते हुए एक डबल क्रोशिया कर लिया हमने, ठीक है। फिर एक चेन लेते हैं, क्रोशिया पे धागा लें, अभी जो हमारी एक डबल क्रोशिया है इस पे डालते हुए एक डबल क्रोशिया हम कर लेंगे। इस तरह से अब ये लाइन को फिर से हमें यहाँ रिपीट करना था। किस तरह से रिपीट करेंगे, एक दो और ये तीन चेन ले लेंगे, पलट जाना है आपको। पलट जाने के बाद देखिए जो क्रॉस हमारी बन गई है ये वाली, इसके बीच में हमें फिर से ये लाइन बनानी है, ये वाली डबल क्रोशिया वाली। तो इस जगह पे डालेंगे हम और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी थ्री डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, ठीक है। फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, अब फिर से हम देखिए ये जो गैप है इस गैप के अंदर यहाँ पे डालेंगे और रो वन स्टार्ट कर देना आपको फिर से बनाना, ठीक है। या अभी ये रो वन स्टार्ट कंप्लीट होगी, उसके बाद रो टू जो हमारी क्रॉस वाली है वो वाली आपको बनानी है। इस डिजाइन से आप कुछ भी बना सकते हैं, स्कार्फ बना लें, मफलर बना लें, या फिर आप यहाँ पे आप जैकेट वगैरह, स्वेटर, या फिर इस डिजाइन को आप बैग में भी इस्तेमाल कर सकती हैं आप, टेबल क्लॉथ के वो यूज में भी आप इसे ला सकती हैं। चेन बनाते हुए टेबल क्लॉथ के हिसाब से फिर से चेन ले लें, उसके बाद आप इस तरह से बना सकती हैं, साइड में झालर दे दें आप तो बहुत ही प्यारी लगेगी। फिर से यहाँ पे लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे इस जगह पे जो एक चेन का हमने स्पेस लिया होता है इसके बीच में डालते हुए बनाना, ध्यान रखना आपको। तो एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया, ठीक है। अब एक चेन हम यहाँ पे डालते हुए, इस चेन में डालते हुए बना लेंगे हम, एक डबल क्रोशिया इस चेन में डालते हुए बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हम ये लाइन स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चार चेन बनाना है आपको, ठीक है। चार चेन बनाने के बाद एक बार दिखा देती हूँ आपको, एक दो तीन और ये चार, चार चेन लेने के बाद यानी फोर चेन लेने के बाद सबसे पहले हम इस वाले गैप में बुनेंगे। देखिए ये वाली यहाँ पे इस तरह से लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे, पीछे वाले यहाँ पे इस साइड में डालते हुए यहाँ से बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से करते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बनाइए आप, उम्मीद करती हूँ कि आज का डिजाइन आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू।